दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई शहरों की हवा हुई बहुत खराब। बिहार के कई जगहों पर एक्यूआई 2000 के पार। जी हां देखिए, मानसून की विदाई के बाद ठंड बढ़ने के साथ बिहार की हवा फिर से खराब होने लगी है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, बेगूसराय, बेतिया, हाजीपुर समेत अधिकतर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में एक्यूआई 2023 यानी कि बहुत खराब स्थिति में है। वहीं देखिए प्रदूषण के मामले में सबसे बुरा हाल उत्तर बिहार के शहरों का है। मोतिहारी में एक्यूआई 110, बेतिया में 209 दर्ज किया गया, वह भी बहुत खराब स्थिति में है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 110 और दरभंगा में एक्यूआई 187 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्यूआई 100 के नीचे होने पर ही अच्छा माना जाता है। इससे ऊपर जाते ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है और लोगों को परेशानी होने लगती है। बड़ी खबर में देखिए, सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी को राहत, जमानत बरकरार, कोर्ट ने दी नसीहत। जहाँ देखिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तेजस्वी यादव कल दिल्ली के राउत एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे, जहाँ उनकी जमानत को सीबीआई ने चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव को कोर्ट की तरफ से सोच समझ कर बयान देने की नसीहत जरूर दी है। वही हालांकि अब तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिल गई है। तेजस्वी यादव के वकीलों ने दलील दी है कि तेजस्वी के बयान का केस से कोई लेना देना नहीं है। वहीं देखिए उन्होंने आगे कहा कि यह बयान राजनीतिक तौर पर दिया गया था। अब तेजस्वी यादव का जमानत बरकरार रखा गया है और सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 11 आईपीएस के बाद 12 आईएएस का ट्रांसफर, देखिए किसे मिला कहां का जिम्मा। जी देखिए, बिहार में मंगलवार को बड़े पैमाने पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला किया गया। सरकार ने 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि डिहरी और सोन के अनुमंडल अधिकारी समीर सौरभ को उप विकास आयुक्त मोतिहारी बनाया गया है। वही बिहार शरीफ के अनुमंडल अधिकारी कुमार अनुराग को उप विकास आयुक्त भागलपुर बनाया गया है। मोतिहारी सदर के अनुमंडल अधिकारी सौरभ सुमन यादव को कटिहार को विकास आयुक्त बनाया गया है। वहीं पटना सदर के अनुमंडल अधिकारी नवीन कुमार को मुजफ्फरपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं देखिए दानापुर के एसडीओ निक्रम विरकर भोजपुर के उप विकास आयुक्त बने हैं। साथ ही देखिए बगहा के एसडीओ दीपक कुमार मिश्रा को नवादा को उप विकास आयुक्त बनाया गया है। वहीं केंद्र प्रतिनियुक्त से वापस लौटे श्रेष्ठ अनुपम को मोतिहारी सदर के एसडीओ बनाया गया है। वहीं केंद्र प्रतिनियुक्त से वापस लौटे प्रदीप सिंह को दानापुर के एसडीओ बनाया गया है। साथ ही केंद्र प्रतिनियुक्त से लौटे चंद्रमा आनी को डेरी ऑन सोन का एसडीओ बनाया गया है। वहीं देखिए केंद्र प्रतिनियुक्त से वापस लौटे अनुपमा सिंह को बगहा का एसडीओ बनाया गया है। साथ ही केंद्र प्रतिनियुक्त से वापस लौटने के बाद श्रीकांत कुंडलिक कांडेकर को पटना सदर का एसडीओ बनाया गया है। इसके अलावा केंद्र प्रतिनियुक्त से वापस लौटे अभिषेक पलासियो को नालंदा का एसडीओ बनाया गया है। वही बड़ी खबर में देखिए, आईपीएस आदित्य कुमार और दया शंकर निलंबित। जी देखिए बड़ी खबर, जालसाजी और आय से अधिक संबंधित मामले में गिरे भारतीय पुलिस सेवा के दो अफसरों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के साथ पूर्णिया एसपी दया शंकर को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया है। वही देखिए दोनों ही अफसरों के खिलाफ निलंबन को लेकर गृह विभाग द्वारा अलग अलग संकल्प भी जारी किया गया है। एक साथ दो आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर में देखिए, राज्य के पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर 24 से 31 अक्टूबर तक रोक। जी हां देखिए, पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। आगामी 24 से 31 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश बंद रहेंगे। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही वरीय पदाधिकारियों को इजाजत से छुट्टी दी जा सकेगी। एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने सभी एसएसपी, एसपी और कमांडेंट को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के मद्देनजर मुख्यालय ने अवकाश पर रोक लगाई है। पर्व त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया है। बड़ी खबर में देखिए, दीपावली पर नहीं कटेगी बिजली, पेशू रहेगा अलर्ट। जहाँ देखिए दीपावली पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी, इससे हर घर रोशनी से जगमग रहेगा। पेशू जीएम ने धनतेरस से लेकर दीपावली तक सभी बिजली कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिया है। वही देखिए एक से दो दिनों में बिजली संबंधित शिकायतों का निपटारा के लिए कंट्रोल रूम गठित कर नंबर जारी कर दिया जाएगा। कंट्रोल रूम से हर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी और यदि किसी वजह से बिजली ट्रिप कर जाती है तो उसे तत्काल ठीक कर आपूर्ति चालू की जाएगी।
आगे बड़ी खबर देखिए, पटना के इन पार्कों में होगी छठ पूजा, नहीं घट रहा है गंगा का जलस्तर। जी हाँ देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार छठ पूजा 28 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। वही देखिए, इस पर्व का इंतजार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अन्य जगहों की तुलना में अधिक रहता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा संतान की दीर्घ आयु और बेहतर स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो वही देखिए, ऐसे में इस पर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन ने अर्घ देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पटना जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि शहर के 28 पार्कों में छठ व्रतियों के लिए अर्घ देने की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जिन पार्कों का चुनाव किया उसमें पुनायचक पार्क, शिवाजी पार्क, रेंटल फ्लैट पार्क 34, राम सुंदर दास पार्क सहित किशोर कुणाल के सेक्टर, जनता फ्लैट G20, डॉक्टर कॉलोनी सेक्टर 9, डिफेंस कॉलोनी बी हाउसिंग, 100 MIG बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी बीकर सेक्शन, मुन्ना पाडक जे सेक्टर, ग्रीन भवन पोखर, राजेंद्र नगर 6 और 5, श्री कृष्ण नगर CID कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया पुलिस कॉलोनी C2, पुलिस कॉलोनी सेक्टर D, शिवपुरी, मेगा कडोवाल, गोलंबर, AG कॉलोनी, पेंसवर भवन पार्क में छठ व्रती अर्घ दे सकते हैं। देखिए इधर दूसरी तरफ गंगा के जलस्तर की बात करें तो गांधी घाट में गंगा का जलस्तर स्थिर है। हालांकि इसके बावजूद यहां गंगा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वही देखिए, दीघा घाट में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा हाथीदह में भी गंगा का जलस्तर 42.29 है। वही इस तरह के गंगा के बढ़ रहे जलस्तर ग्रामीण या गंगा किनारे के इलाकों के छठ व्रतियों में चिंता की लकीर नजर आ रही है। बड़ी खबर में देखिए, नवंबर में बिहार के 2000 भूमिहीनों को मिलेगी 3 से 5 डिसमिल जमीन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बड़ा ऐलान। जहाँ देखिए बड़ी खबर, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बिहार के सभी 38 जिलों से आए अपर समाहर्ताओं के साथ राज्य स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी अपर समाहर्ताओं से नवंबर माह तक अपने अपने जिलों में भूमिहीनों का सर्वे पूरा कर लेने का लक्ष्य दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के पहली प्राथमिकता गरीब और समाज के कमजोर लोग है, इसलिए सरकार बनते ही हमारे सरकार ने बिहार के सभी भूमिहीनों को सर्वे कराने का आदेश दिया है और नवंबर माह में कम से कम 2000 भूमिहीनों को 3 से 5 डिसमिल भूमि वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। में देखिए, बिहार के 7 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा सबसे अधिक। जहाँ देखिए, बिहार के 7 जिलों नवादा, नालंदा, शेखपुरा, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और सुपौल में भूजल में यूरेनियम की मात्रा सबसे अधिक है। वही देखिए, सुपौल में निर्धारित मानक से 2.5 गुना से अधिक, नालंदा व वैशाली में 2 गुना से अधिक व गोपालगंज, सिवान, नवादा व शेखपुरा में 1.25 गुना से अधिक पाई गई है। ये जानकारी महावीर कैंसर संस्थान पटना और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इंग्लैंड के टीम द्वारा किए गए हालिया शोध में सामने आई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा प्रति 10 करोड़ भाग में 30 इकाई निर्धारित की है, जबकि इन जिलों के विभिन्न स्थानों से भूगर्भ जल की जांच में यह 30 इकाई से अधिक पाई गई है। बिहार में बेरोजगार युवाओं को सरकार देती है बेरोजगारी भत्ता, ऐसे करें आवेदन। जी हाँ देखिए, अगर आप 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार है और बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार सरकार प्रति माह 1000 रुपये महंगाई भत्ता देती है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद करना है। वहीं साथ ही सरकार जानती है कि राज्य में अवसर की कमी है और सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि हर युवा को रोजगार दे सके, इसलिए युवाओं को तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती। वही देखिए, बिहार में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पहली शर्त यह है कि आवेदक के पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए। दूसरी बात, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। वही देखिए, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको विकल्प मिलेगा जिस पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, जिसमें आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है, वह बिहार राज्य का नागरिक होना चाहिए, लाभार्थी के पास मूल निवास होना चाहिए, आवेदक कर्ता के पास उसके 10वीं 12वीं या उसके उच्च डिग्री के सारे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होने जरूरी है, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। अगर मैं देखिए, शराबबंदी मामलों में अब तक 1 लाख से ज्यादा की गिरफ्तारी, टॉप पर पटना, रोहतास अंतिम पायदान पर। जहाँ देखिए बड़ी खबर, बिहार में इस साल जनवरी से लेकर अब तक शराबबंदी मामले में पुलिस विभाग ने 1,09,565 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही देखिए, सबसे अधिक गिरफ्तारी पटना में हुई है। टॉप 5 जिलों में नालंदा, बांका, भागलपुर और बक्सर शामिल है। वही नालंदा दूसरे, बांका तीसरे, भागलपुर चौथे और बक्सर 5वें स्थान पर है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सूबे के सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें पटना, नालंदा सबसे पहले स्थान पर और रोहतास अंतिम पायदान पर है।
बड़ी खबर में देखिए, अब देश भर में अपनाया जाएगा बिहार का बिजली स्मार्ट मीटर, केंद्र ने बनाया रोल मॉडल। जी देखिए बड़ी खबर, बिहार के स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार अब देश भर में रोल मॉडल बन गया है। अब देश के सभी राज्यों में बिहार के तर्ज पर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर अपनाया जाएगा। वही देखिए, केंद्र सरकार ने अब सभी राज्यों को यह मॉडल अपनाने को कह दिया है। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के ऊर्जा मंत्री शामिल हुए थे। वही देखिए, इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिहार के स्मार्ट मीटर मॉडल की आलोचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने देश भर में बिहार मॉडल को अपनाने की बात भी कह दिया है। आगे देखिए, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, पटना जंक्शन पर बदल गया टिकट काउंटर, यात्रा करने से पहले जरूर पढ़े। जी हाँ, पटना जंक्शन से अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। पटना रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउंटर का जगह अब बदल दिया गया है। यहाँ का अनारक्षित टिकट काउंटर अब यात्री प्रतिचालक के साथ कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह काउंटर पटना जंक्शन के पश्चिमी छोर पर आरक्षित काउंटर के पास हुआ करता था। वहाँ पर अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसी वजह से इसके जगह को बदल दिया गया है। वहीं देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनारक्षित काउंटर की जगह बदलने को लेकर लोगों द्वारा कई बार राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर से अनुरोध भी किया गया था। यात्रियों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि अनारक्षित टिकट काउंटर को पहले की तरह ही नीचे कर दिया जाए, जिससे बुजुर्गों एवं दिव्यांग को टिकट के लिए परेशानी न उठाना पड़े। लोगों द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद सांसद ने रेल प्रबंधक से इस बात की शिकायत की थी। वही देखिए, राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर के अनुरोध पर रेल प्रबंधक द्वारा कार्रवाई की गई और पहले की तरह ही अनारक्षित टिकट काउंटर को पर्दे चालक के पास ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। इस टिकट काउंटर में पहले की तरह ही 12 खिड़कियां बनाई गई है। बड़ी खबर में देखिए, देश में अब जन्म के साथ ही आधार नंबर देने की तैयारी। जहाँ देखिए, देश में बच्चे के जन्म के साथ ही उसे आधार नंबर देने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं आने वाले कुछ महीनों में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल 16 राज्यों में इस पर काम हो रहा है और कुछ जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार नंबर भी दिए जा रहे हैं। वहीं देखिए, बाद में बच्चों के 5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पार करने पर उसे बायोमेट्रिक्स यानी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली जैसी पहचान की जानकारी आधार नंबर के साथ जोड़नी होगी। घर में देखिए, बिहार के 12 जिलों में बनेंगे पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय। जहाँ देखिए, राज्य सरकार ने 12 जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू व आवासीय हाई स्कूल के भवन निर्माण को हरी झंडी दे दी है। कैमूर, सुपौल, मोतिहारी, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर जिले में ये आवासीय विद्यालय बनेंगे। वहीं देखिए, प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 520 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इस प्रकार इन 12 विद्यालयों में 6,240 छात्राएं रह सकेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 556 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।